हमने एक हफ्ता पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सरकार को चेतावनी दी थी पांच मुद्दों पर। पहला मुद्दा था कि हमारा जो पैकेज है वो पूरे तरीके से इन टोटो लागू किया जाए। दूसरी बात हमने कही थी कि आप डिस्पैरिटी कर रहे हैं और आपने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास खाली कश्मीरी विस्थापितों का होता है और किसी का नहीं होता। हमारे लोग भी विस्थापित हैं, आप एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई नहीं बनाई। तीसरी बात हमने कही थी कि हमारे गुरुद्वारे और मंदिर जो पाक अधिकृत कश्मीर में हैं वहाँ हमें जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए और ये जल्द से जल्द करिए, सरकार ने नहीं किया। चौथी बात थी, हमने कहा था कि जो हमारे 5,300 परिवार जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं, अपनी मर्जी से नहीं गए, तब की सरकार ने कहा था कि आपके लिए पर्याप्त जगह नहीं है तो आप यहाँ बैठिए, जब जम्मू कश्मीर का फैसला करेंगे तो आपका भी फैसला साथ ही होगा, लेकिन आपने उनको छोड़ दिया। हमने कहा था उनको बीच में लाइए। जम्मू कश्मीर बैंक है जिसकी शाखा हुआ करती थी मीरपुर में 1947 से पहले, वहाँ पर मेरे लोगों के डिपॉजिट हैं, फिक्स डिपॉजिट हैं, सेविंग डिपॉजिट्स हैं, लेकिन बैंक मुकर गया पैसे देने से, इनकार कर गया, कहने लगा कि आप या तो पासबुक लाइए या FDs लाइए। जो लोग ओवरनाइट निकले हैं, जिनके पैरों में चप्पल तक नहीं थी, वो अपनी पासबुक उठाते। तो हमने गवर्नर साहब से इस दौरान कोशिश की मिलने की, लेकिन मैं देखता हूँ कि वहाँ पर भी सारा कुछ ड्रामा ही। गवर्नर साहब दावा करते हैं कि मेरा टेलीफोन 24 घंटे खुला रहता है, मेरी फैक्स मशीन चलती है, मेरी ईमेल चलती हैं, मेरा स्टाफ काम करता है, लेकिन पिछले 3 महीने से हम लोग लगातार इस बात की याचना कर रहे हैं गवर्नर साहब के सामने कि हमें मिलने का समय दीजिए, हमारा समाधान कीजिए, नहीं तो हम लोग भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। अब साथियों, हमें मजबूर किया गया है। अब हम परसों से यानी 27 तारीख वीरवार से इनडेफिनेट हड़ताल पर जा रहे हैं और रोज़ सुबह 11 बजे हमारे 5 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। 3 बजे तक वो समाप्त होगी क्योंकि सर्दी है, उनको कईयों ने दूर से आना है, तो ये तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे ये सारे मुतालबे मान नहीं लिए जाते। ये हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिसके लिए हम कह रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग वहाँ से निकले और आप लोग हमें भूल गए। रोज़ स्टेटमेंट्स आती हैं, आज तो मैं देख रहा था सुषमा स्वराज जी भी कह रही हैं कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसके बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन लोगों के बारे में कौन सोचेगा? जो वहाँ से विस्थापित 13 लाख लोग हैं जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? तो लिहाजा हमने फैसला किया है और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार को ये बतला देना चाहते हैं कि अब आपको हमारा मुकाबला सहन करना पड़ेगा। हम लोग भूख हड़ताल पर जा रहे हैं और हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक आप हमारी इन सारी मांगों को मान नहीं लेते, और अगर आपने इसमें भी कोई डील दिखाई तो हम फास्ट ऑन टू डेथ पे चले जाएंगे, लेकिन तब तक हम नहीं उठेंगे जब तक हमारे सारे मुतालबे मान नहीं लिए जाते, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। और हमें अफसोस है इस बात का कि जब हम मानव अधिकारों के हनन की बात करते हैं तो हनन दिखता है हमें कश्मीरियों का, हनन दिखता है हमें दूसरे लोगों का, लेकिन अपने ही लोगों का जो 70 सालों से जिनके मानव अधिकारों का हम हनन कर रहे हैं वो हमें नहीं दिखता। तो लिहाजा इस अंधी बहरी सरकार को जगाने के लिए ये लाजमी था, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी सार्वजनिक जगह पर बैठते, उसके लिए भी हमें सरकार की इजाज़त चाहिए थी और हमें लगता नहीं था कि सरकार हमें इजाज़त देती। अब हम अपने कार्यालय में बैठेंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम है, कई बुज़ुर्गों ने भी, कई ऐसे लोगों ने भी ऑफर किया है कि हम लोग अपनी जान तक नछावर करने के लिए तैयार हैं जब तक हमारी बातें नहीं मान ली जाती, हमारे मुतालबे नहीं मान लिए जाते। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि
कि परसों से हमारा आंदोलन शुरू हो रहा है और अगर इस दौरान किसी ने जज्बात में आकर कोई कदम उठा लिया, अगर उसकी जान चली गई, तो इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो केंद्र और राज्य सरकार की होगी, गवर्नर के शासन की होगी, क्योंकि गवर्नर का शासन भी हमें सता रहा है, हमें तंग कर रहा है और हमें मिलने का समय नहीं दे रहा पिछले 3 महीने से, हालांकि बड़ी जायज़ बातें थी। और मैं देखता हूं कि टॉम, डिक एंड हैरी, जिनका कोई लेना देना नहीं है जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम से, जिनकी कोई अपनी निजी प्रॉब्लम होगी वो भी मिलने चले जाते हैं, लेकिन जो लोग अपनी बिरादरी की बात करना चाहते हैं, जो लोग अपने समुदाय की बात करना चाहते हैं, उनके लिए ना प्रधानमंत्री के यहाँ समय है ना गवर्नर के यहाँ समय है, तो हम करते क्या? तो आखिर हमने ये फैसला किया है, पहले दिन मैं खुद बैठूंगा, उसमें मेरे साथ मेरे 4 साथी होंगे और वो सिलसिला लगातार चलता रहेगा। रोज़ 5 लोग नए, कभी राजौरी से, कभी पुंछ से, ये मेरे साथी ये राजस्थान से आए हैं, गंगानगर से, और काफ़ी मेरी परिवार जो हैं इन्होंने उस समय राजस्थान भेज दिए थे, कुछ यूपी में हैं, बिहार में हैं, पंजाब में हैं, दिल्ली में हैं, सभी जगह से लोगों ने वॉलंटियर होकर ये बात कही है कि हम भी बारी बारी से यहाँ आकर शरीक होंगे और बैठेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये कदम हमें इसलिए उठाना पड़ा, और हम रोज़ देखते हैं कि पार्टियों को बड़ी चिंता होती है अपने वोट बैंक की, लेकिन लोगों की चिंता नहीं है, वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हमने जीतना कैसे है, हमने किस तरीके से दोबारा सत्ता को पाना है या उसको ग्रैब करना है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग मर रहे हैं, जिन लोगों की हालत ख़राब है, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आखिर उनका गुजारा कैसे होगा? अगर आप एक कश्मीरी विस्थापित को 13,000 रुपया महीना देते हैं गुजारा करने के लिए, तो मेरे विस्थापित को क्यों नहीं देते? कश्मीर तो हमारे पास है, वहाँ तो वो वापस जा सकते हैं। खीर भवानी का मेला लगता है, 2-2 लाख कश्मीरी पंडित उस मेले को देखने जाता है, लेकिन छठी पातशाही गुरुद्वारा है मेरा मुजफ्फराबाद में, कभी मेरा एक भी सिख वहाँ नहीं जा पाया। और आप देखें, वहाँ पर मंगला माई का मंदिर है मीरपुर के अंदर, कभी वहाँ हमें जाने का इन्होंने नसीब नहीं किया। भाई जहाँ हम जा नहीं सकते, बीच में LOC खड़ी है, मेरा जाना तो छोड़िए, भारत के प्रधानमंत्री भी वहाँ नहीं जा सकते, इस तरह का माहौल है। तो ऐसे माहौल में हमें इग्नोर करना और उन लोगों को गले लगाना जो कश्मीर से अपनी मर्जी से आए, कश्मीर कोई पाकिस्तान के कब्जे में थोड़े ही है, कश्मीर हमारे पास है, जब दिल करे ये अपने घर पे रहें, वहाँ पर किराए पे उसको दें, उसको बेचें, उसको अपने पास रखें, किसी को दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ मुड़ के मैंने नहीं देखा, और मुझे नहीं पता मेरी वहाँ पर जो जायदाद है, मेरी जो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आज वो किस हाल में है, ये किसी को नहीं मालूम है। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि हमें सरकार ने मजबूर किया है, हमें सरकार ने इस बात के लिए बाध्य किया है कि हम हड़ताल पर चले जाएं और यहाँ पर भूख हड़ताल शुरू करें, और मैं समझता हूँ इसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य की है, इसका वही जवाब देंगे।